हाँ जी, इंटरफेरेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, इंटरफेरेंस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक आध छोटी मोटी बात रह गई उसमें। इंटरफेरेंस में जैसा कि अभी अभी क्वेश्चन में आया, हम एक्चुअल में इंटरफेरेंस जब कराते हैं तो क्या लेते हैं, हम एक ओपेक स्ट्रिप में दो पतली पतली सी स्लिट्स काट लेते हैं, दो पतली पतली स्लिट काट लेते हैं। कितनी पतली होती हैं स्लिट्स? आपने लगभग सभी ने नहीं, वो नहीं देखा होगा, बायो वालों के ने देखा है, बायो वालों ने देखा स्लाइड होती है, कांच की छोटी सी पट्टी होती है, बायो लैब में स्लाइड यूज होती है। यह सिंपली एक कांच की पट्टी ले ली आपने, बढ़िया कांच की, बढ़िया ट्रांसपेरेंट कांच की पट्टी, ठीक है, ये सिंपली कांच की पट्टी, और इसके ऊपर ब्लैक पेंट कर देते हैं, ब्लैक पेंट इसके ऊपर कर दिया, ठीक। अब ब्लैक पेंट करने के बाद क्या, जो ब्लेड होता है शेविंग ब्लेड, वो शेविंग ब्लेड इसके ऊपर रखा, दबाया और सिर्फ उठा लिया, एक पतली सी स्क्रैच बन जाएगी इसमें, पेंट बिल्कुल पतला सा पेंट कट जाएगा। एक जगह रखा और रखे रखे में ही क्या होता है, रखे रखे में ही एक ब्लेड और इसके साथ में लगा देते हैं, इसे यहां से उठा के दूसरी तरफ लगाया और फिर दबा के उठा लिया, तो बहुत पास पास दो पतली पतली स्ट्रिप बन जाती है। वो दोनों S1 S2 सोर्स की तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो वो जो स्लिट्स हैं वो कैसी हैं, वो रेक्टेंगुलर स्लिट्स होती हैं, लंबी, और जब ये स्लिट्स आपकी रेक्टेंगुलर होती हैं तो आपको जो फ्रिंज पैटर्न होता है, फ्रिंज पैटर्न कैसा बनता है, बीच में आपको प्राइमरी मैक्सिमा मिलता है, फिर ये डार्क रीजन मिलता है, यहाँ दोनों तरफ डार्क मिलता है जिसे हम बोलते हैं मिनिमा, उसके बाद में आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बन जाता है। तो ये जो फ्रिंज पैटर्न है, ये फ्रिंज पैटर्न भी आपका स्ट्रिप्स की फॉर्म में ही होता है, डार्क ब्राइट स्ट्रिप, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। अगर इन स्लिट्स को रेक्टेंगुलर शेप में न लेकर के दो छोटे छोटे से होल्स बना लिए जाएं, तो फ्रिंज पैटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा? फ्रिंज पैटर्न तब भी ऐसा ही होगा, शेप इसकी बदल जाएगी। तब स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न कैसा बनने वाला है, स्क्रीन पर ये फ्रिंज पैटर्न बनेगा सर्कुलर, बीच में एक ब्राइट स्पॉट होगा, रिप्रेजेंट करेगा ये प्राइमरी मैक्सिमा को, फिर इसकी इंटेंसिटी डिग्रीज होते होते ये मिनिमा बन गया, फिर एक मैक्सिमा बनेगा, फिर एक मिनिमा बनेगा, और आपको जो मैक्सिमा मिनिमा है, ये मैक्सिमा मिनिमा स्ट्रिप्स की फॉर्म में ना मिल करके कैसे मिलेंगे, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मिलने वाले। अगर आपके सोर्स दो पॉइंट सोर्सेज हैं, तो अगर इलांगेटेड सोर्स हैं तो फिर आपको मिलेगा फ्रिंज पैटर्न स्ट्रिप्स की फॉर्म में, लेकिन अगर दोनों सोर्सेज आपके पॉइंट सोर्सेज हैं तो फिर आपको मैक्सिमा मिनिमा सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में मिलेंगे, जिसमें बीचों बीच होगा प्राइमरी मैक्सिमा, फिर उसके बाद फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, और इनकी जो विड्थ वगैरह है, विड्थ कहाँ से कहाँ तक लोगे, देखो ये आपका प्राइम फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, तो इससे पहले वाले मिनिमा से अगले वाले मिनिमा के बीच का डिस्टेंस ये विड्थ कहलाएगा, है ना, ये विड्थ अब भी एज इट इज रहेगी, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, विड्थ अब भी जो की तो रहेगी, मैक्सिमा की भी और मिनिमा की भी, बस पैटर्न का शेप थोड़ा सा बदल जाएगा, पैटर्न बन जाएगा आपका कैसा, सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स। तो इसे हम लिख लेते हैं, एक नोट लिख लीजिए, इसमें नोट लिख लीजिए, इफ द टू सोर्सेज S1 S2 इन S1 S2 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द टू सोर्सेज S1 S2 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट In Young's double slit experiment,
आर पॉइंट सोर्सेज, आर पॉइंट सोर्सेज ब्रैकेट में रख लीजिए फाइन होल्स, फाइन होल्स, फाइन होल्स, द इंटरफेरेंस पैटर्न The interference pattern is in the form of concentric circular rings. Is in the form of concentric circular rings. Concentric circular rings. In the form of concentric circular rings with primary maxima at the center of with primary maxima at the center of rings, primary maxima at the center of rings, the fringe width remains same, beta equals d lambda upon d, the fringe width remains same, beta equals d lambda upon d. क्लियर है इतनी बात, पक्का क्लियर है? ओके, एक छोटी सी बात और रह गई है, क्या कि हमने एक कंडीशन और लगाई थी, एक तो सोर्स स्लिट होती है हमारे पास और दो फिर डबल स्लिट्स होती हैं इक्वल डिस्टेंस पर रखे हुए. इस सोर्स स्लिट्स की ओपनिंग, इसका एपर्चर है स्मॉल एस, सोर्स स्लिट से डबल स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल एस, और स्लिट एस वन और एस टू के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, है ना. जो वेवलेंथ लाइट की यूज कर रखी है वो वेवलेंथ है लैम्डा. तब हमने कहा था कि सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए, अब बढ़िया वाले कंपनी के ओरिजिनल इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, एस अपॉन एस शुड बी लेस देन लैम्डा अपॉन डी, है ना. देखो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो फिर इंटरफेरेंस तो बनेगा, पैटर्न तो बनेगा, लेकिन वो शार्प नहीं बनता, वो शार्प नहीं बनता, धुंधला होता है. मतलब फिर वही बात कि कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा आपको पता नहीं चल पाएगा. अब यही अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक आया कि अगर ये डिस्टेंस हम डिक्रीज करते चले जाएं, अगर ये डिस्टेंस कैपिटल एस हम डिक्रीज करते चले जाएं, सोर्स स्लिट्स और डबल स्लिट्स, सोर्स स्लिट और डबल स्लिट के बीच का डिस्टेंस हम डिक्रीज करते चले जाएं, देखिए यहाँ s डिक्रीज कर रहे हैं तो स्मॉल s अपॉन कैपिटल s बढ़ता चला जाएगा. जब तक इसकी वैल्यू लैम्डा अपॉन d से कम है तब तक इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखाई देगा, लेकिन उसकी शार्पनेस घटती चली जाएगी. और जैसे ही s अपॉन कैपिटल s लैम्डा अपॉन d के इक्वल या इससे लार्जर हुआ तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न इतना डिफ्यूज हो जाएगा, शार्पनेस उसकी इतनी घट जाएगी कि हम इंटरफेरेंस में मैक्सिमा मिनिमा को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे. बन रहा होगा लेकिन दिखाई नहीं देगा सही. ठीक है, इसे लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं. पहले डायग्राम ही आप ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और इसमें लिखिए फॉर शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न, फॉर शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न, केवल इतना बनाना है आपने, ये वाला फॉर शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न स्मॉल एस अपॉन कैपिटल एस लेस देन लैम्डा अपॉन डी. और ये बात शायद हमने पहले लिखी हुई कि इसमें स्मॉल एस क्या है कैपिटल एस क्या, लिख रखा है ना पहले नोट्स में लिख रखा था, तो इसमें आगे लिखिए इफ इफ द डिस्टेंस बिटवीन, जल्दी से बनाइए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स स्लिट्स, सोर्स स्लिट एंड डबल स्लिट्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स स्लिट एंड डबल स्लिट्स कैपिटल एस
इज डिक्रीज्ड द शार्पनेस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न डिक्रीजेस शार्पनेस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न डिक्रीजेस अंटिल द कंडीशन स्मॉल एस अपॉन कैपिटल एस लेस देन लैम्डा अपॉन डी इज सेटिस्फाइड. First off, if small s upon capital S become equal or greater than lambda by d, the interference pattern disappear. ठीक है, तो अब यहां तक ये इंटरफेरेंस के बारे में सब कुछ हो गया, लगभग सब कुछ. कुछ बीच में याद आएगा तो फिर और कर लेंगे. थोड़ा सा इस टॉपिक के बाद में ना, थोड़ा सा आप कहीं आधा पेज का स्पेस छोड़ दीजिए, कहीं कुछ भूली भटकी बातें याद आएंगी तो वहां उसमें काम बन जाएगा. फिर आधा पेज छोड़ दीजिए इसके बाद.